नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। 500 साल बाद दुर्लभ संयोग 10 जून को सूर्य ग्रहण कन्या राशि बरसेगा पैसा। दोस्तों, साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को लगने जा रहा है और यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को लगने जा रहा है। यह काफ़ी प्रभावशाली सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव कन्या राशि के जातकों के ऊपर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि कन्या राशि के जातकों, आपके भाग्य भाव पे यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ, कन्या राशि के जातकों, 10 जून को जो लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण साल का पहला, ये आपके भाग्य भाव पे यानी कि नौवें भाव पे लगने जा रहा है। 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण यह वृषभ राशि में और मृगशिरा नक्षत्र में लगेगा। इसका भारतीय समय अनुसार इसका जो टाइम होगा, यह 10 जून को दोपहर 1:42 से यह सूर्य ग्रहण शुरू होगा और शाम 6:41 तक रहेगा। यानी कि इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे रहेगी। सूतक काल 5 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। तो इस बीच गर्भवती महिलाएं विशेषकर सावधानी बरतें। ग्रहण काल के दरमियान गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। और कन्या राशि के जातकों, एक चीज ध्यान रखें कि इसमें खान पीन की चीजों पर तुलसी के पत्ते डाल दें या फिर आप खान पीन की चीजों का सेवन ही ना करें। तुलसी के पत्ते का सेवन कर सकते हैं, खासकर गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें। कन्या राशि के जातकों, आपके नौवें भाव पे ये साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यानी भाग्य में वृद्धि करके करेगा, भाग्य को और बढ़ाएगा, किस्मत का साथ मिलेगा, कई प्रकार के आपको धन के लाभ मिलते नजर आएंगे। तो ये जो सूर्य ग्रहण होगा, इस ग्रहण का प्रभाव काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें गर्भवती महिलाएं, कन्या राशि के जातक जो गर्भवती महिलाएं हैं विशेषकर, यानी इस बीच ग्रहण के समय धार्मिक पुस्तकों का पाठ करें। धर्म कर्म के कार्यों से, यानी कि वैसे तो शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसमें जैसे कि मंत्रों का जाप कर सकती हैं, ओम सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः या फिर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ग्रहण के समय आप जरूर जाप करें, खासकर गर्भवती महिलाएं एक नारियल अपने पास जरूर रखें। और आप इसमें मूर्ति वगैरह या फिर भगवान की पूजा पाठ ना करें, लेकिन उनके नाम का, उनके कीर्तन का, उनके मंत्रों का जाप जरूर कर सकती हैं। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद यथा योग दान करें। अन्न का दान करने का विशेष महत्व माना जाता है सूर्य ग्रहण में, क्योंकि सूर्य ग्रहण में आप जितना दान करेंगी, वस्त्र का दान करें, काले तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, तो कन्या राशि के जातकों, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती नजर आएगी। कन्या राशि के जातकों, 10 जून 2021 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण आपके भाग भाव को प्रभावित कर रहा है, यानी कि आपके भाग भाव पे पड़ने जा रहा है, नौवें भाव पे, इसलिए बेहद अच्छा साबित होगा आपके लिए। अब चूंकि कन्या राशि के जातकों, आपके ऊपर बरसे का पैसा, देखिए धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि कैरियर और बिजनेस व्यापार में कन्या राशि के जातकों जबरदस्त सफलता आप हासिल करेंगे इस सूर्य ग्रहण के बीच, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण आपके लिए काफी लकी रहने वाला है। भाग्य को वृद्धि कराएगा और धन से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था तो धन से मामला जुड़ा हुआ आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। जैसे कि लॉटरी सट्टा से जबरदस्त लाभ हो सकता है, और इसमें जमीन प्रॉपर्टी अगर आपने पहले से खरीद रखी है तो उससे आपको लाभ होगा, उसको बेचकर आप दुगना धन लाभ कमा सकते हैं। या फिर कन्या राशि के जातकों, इस बीच आप शेयर मार्केट वगैरह में अगर आपने पहले से निवेश किया हुआ है तो आपको अच्छा खासा दुगना धन लाभ देखने को मिलेगा। कैरियर में उच्च पद की प्राप्ति और प्रमोशन के योग बनेंगे, साथ ही सैलरी की वृद्धि के रूप में भी बड़ी खुशखबरी मिलती नजर आएगी। अब चूंकि हमने कहा कन्या राशि के जातकों, 10 जून को इस सूर्य ग्रहण में बरसे का पैसा, देखिए धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, यानी धन के स्रोत आपके नए नए आएंगे और नए धन के स्रोत आने से आपके आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति कन्या राशि के जातकों जबरदस्त रहने वाली है। अब चूंकि हमने आपको बताया कि ये जो 10 जून 2021 को लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण काफी प्रभावशाली आपके लिए रहेगा, और आपको निश्चित तौर पर इस यानी सूर्य ग्रहण के बीच जितना संभव हो तो आप किसी गरीब निर्धन को आप ग्रहण के बाद दान करें। इससे कन्या राशि के जातकों आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि ग्रहण का मतलब ही होता है कि हम दान दक्षिणा करें ताकि हमारे ये जन्म और अगला जन्म भी बेहतर और सार्थक हो जाए। तो कन्या राशि के जातकों, अगर हम बात करें आपके घर परिवार का, तो घर परिवार की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेगी, तालमेल बेहतर रहेगा और सबका सपोर्ट मिलेगा। आपके घर में कुछ शुभ मंगल हो सकते हैं कार्य, चूंकि देखिए दोस्तों, ये जो 10 जून को लगेगा सूर्य ग्रहण, ये भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा। भारत में आंशिक रूप से एक बलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देने के कारण इसका सूतक काल हालांकि मान्य तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूजा पाठ वर्जित नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी इसके नियम कायदे कानून अगर माना जाए तो उससे क्या होता है, हमारे लिए फायदेमंद रहता है। खासकर गर्भवती महिलाएं तो जरूर इसकी सावधानियां बरतें, विशेषकर इनके जो नियम है उन नियमों को पालन करें। साथ ही ये विदेशों में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि विदेश में अमेरिका में, ग्रीनलैंड में, यूरोप, अटलांटिक और रूस, जापान, ब्राजील, कई जैसे ऐसे देश हैं जहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, वहां पर पूर्ण रूपेण से ये सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा और वहां पर इसके सूतक काल का और पूरी तरह से ग्रहण के विशेष सावधानी सबको बरतनी चाहिए।
तो कन्या राशि के जातकों, इसमें आपके घर परिवार में शुभ मंगलकार हो सकते हैं और स्टूडेंट के लिए कुछ बड़ी खुशखबरी उनके एग्जाम को लेकर मिल सकती है या फिर रिजल्ट आना है तो रिजल्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कन्या राशि के जातकों, इसमें दाम्पत्य जीवन में सुधार और काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, पत्नी से आपको धन संपत्ति के लाभ होते नजर आएंगे, आपके कार्यक्षेत्र में आपके बिजनेस व्यापार में उनकी मदद मिलेगी कन्या राशि के जातकों। और कन्या राशि के जातकों विशेषकर ध्यान दें कि इस सूर्यग्रहण में आपके प्रेम जीवन में भी काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, कुछ उपहार या गिफ्ट देने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ आप यानी कि उन्हें अपने पार्टनर को कुछ तोहफा दे सकते हैं। हालांकि सेहत को लेकर चिंताएं दूर होंगी और जो आपके अंदर डर और भय का माहौल था कन्या राशि के जातकों, वो धीरे धीरे दूर जाता हुआ नजर आएगा, यानी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा, पहले जैसा अब नहीं देखने को मिलेगा और आपके कार्यक्षेत्र में आपके बिजनेस व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। लोन वगैरह के लिए अगर आपने आवेदन दिया था तो लोन आपका मंजूर हो सकता है कन्या राशि के जातकों, इसलिए यह 10 जून को लगने वाला सूर्यग्रहण आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। खासकर कन्या राशि के जातकों के लिए 10 जून का लगने वाला सूर्यग्रहण बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव को यानी भाग्य भाव को प्रभावित करेगा, भाग भाव पे आप वृद्धि करते हुए देखने को मिलेगा, धन से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो पूरा होगा, आपके बिजनेस व्यापार में कोई इंपोर्टेंट डील फाइनल हो सकती है, विदेश से कोई शुभ सूचना आपको धन को लेकर मिल सकती है, अपने बिजनेस व्यापार को लेकर मिल सकती है, विदेश जाने का मौका मिल सकता है और छोटी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। तो कन्या राशि के जातकों, ये जो सूर्यग्रहण होगा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और इस सूर्यग्रहण में आपको जैसे कि सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, यथा योग संभव हो तो सूर्यग्रहण के बाद आप नहा धोकर आप अपने घर की साफ सफाई करके कन्या राशि के जातकों यथा योग दान करें, जो हमने कहा कि जैसे गुड़ का दान करें, तिल का दान करें, आप कन्याओं को भोजन खिला सकते हैं और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप नहा धो के सूर्यदेव को फिर एक लोटा जल जरूर दें और लोटे में आप चाहे काला तिल डाल के दें तो पितृदेव भी आपके प्रसन्न होते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको लाभ मिलेगा। तो कन्या राशि के जातकों, 10 जून को लगने वाला सूर्यग्रहण, इसमें आपको आपके उच्च अधिकारियों का, आपके बॉस का, आपके काम करने वाले लोगों का, सहकर्मियों का, सबका सपोर्ट मिलता नजर आएगा, क्योंकि इसमें स्थितियां काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो कन्या राशि के जातकों, इसमें अपने कार्यस्थल को बढ़ाने में आप जोर लगाएंगे और इसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, रुका हुआ फंसा हुआ धन भी प्राप्त होगा, साझेदारी में किया गया बिजनेस व्यापार कन्या राशि के जातकों अच्छा खासा धन लाभ दे सकता है। 10 जून का लगने वाला सूर्यग्रहण कन्या राशि के जातकों के लिए यानी कि धन से जुड़ा मामला बहुत अच्छा रहेगा और इसमें आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहेगी, इसलिए तो कहा है कि कन्या राशि के जातकों बरसेगा पैसा, यानी धन से जुड़ा मामला कोई भी है वो जरूर आपका क्लियर होता नजर आएगा। तो दोस्तों, कन्या राशि के जातकों, ये था 10 जून को लगने वाला सूर्यग्रहण, जो कि कई सौ साल के बाद ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इसी दिन दोस्तों एक तो ज्येष्ठ अमावस्या तिथि है और सूर्यग्रहण तो है ही है, इसी दिन शनि जयंती भी है और शनि और यहाँ पर बुध देव जो आपके राशिक स्वामी हैं वक्री अवस्था में चल रहे हैं और कन्या राशि के जातकों, इसमें सूर्य और राहु की युति बनी हुई है, इसलिए अपने आप में ये एक बेहद शुभ संयोग यानी निर्माण कर रहा है, कई सौ साल के बाद ऐसा शुभ संयोग आया है जब शनि और बुध देव वक्री और सूर्य राहु की युति और ये अमावस्या तिथि और दूसरी तीसरी यह शनि जयंती, कई तरह के शुभ संयोग और राजयोग का निर्माण, जिसका सीधा सीधा लाभ कन्या राशि के जातकों आपको होने वाला है। तो दोस्तों, ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करिए। जय शनिदेव।